वेलकम स्टूडेंट्स, रजनीश क्लासेस की लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की अगली क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सिंप्लेक्स मेथड की, उसमें मैंने आपको किसी भी एलपीपी को सॉल्व करने का तरीका बताया था। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में जब हमने बात की थी एलपीपी को सॉल्व करने की, तो हमने वहां पर स्लैक वेरिएबल्स का यूज किया था कंस्ट्रेंट को इक्वेशन बनाने के लिए। स्लैक वेरिएबल हमने एड किए थे। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक इक्वेशन लेस इक्वल का साइन लिए हुए है किसी अमाउंट से, तो जितना अमाउंट ये लेस है उतना अमाउंट हम एक वेरिएबल एस या एस1 जोड़ देते हैं, ये इक्वल बन जाता है। वेल, अब अगर ये लेस इक्वल ना हो, ग्रेटर इक्वल हो, तो फिर हम कुछ ऐड करके, पॉजिटिव अमाउंट ऐड करके इक्वल नहीं बना सकते। अब हमें पॉजिटिव अमाउंट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसे हम कहेंगे सरप्लस वेरिएबल। तो अगर किसी वेरिएबल को इन इक्वेलिटी को इक्वेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो उस वेरिएबल को हम सरप्लस वेरिएबल कहा करते हैं। दिस वेरिएबल इज सेड टू बी सरप्लस वेरिएबल। तो लास्ट जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की थी वो सारी ऐसी ही थी कि उनमें स्लैक वेरिएबल्स ऐड करना पड़ता था। अब जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उनमें लेस इक्वल के साथ साथ ग्रेटर इक्वल या इक्वल का साइन भी अपीयर हो जाएगा। तो इस केस में हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। कैसे, देखिएगा। मैं यहां पे यूज करता हूं ऑन यूजिंग स्लैक, ये चूंकि ग्रेटर इक्वल है तो सरप्लस वेरिएबल्स भी यूज कर लेते हैं। ऑन यूजिंग स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स, स्लैक कौन सा, इसे ऐड करेंगे इक्वेशन बनाने के लिए, लेस इक्वल को इक्वल बनाने के लिए, और सरप्लस जिसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2x1 प्लस x2, इसमें हमने s1 ऐड कर दिया, ये इक्वल 18 हो गया। 3x1 प्लस 2x2, इसमें हमने s2 वेरिएबल सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये इक्वल 30 हो गया। लास्ट वाले में तो ना ही लेस इक्वल है ना ही इक्वल है, x1 प्लस 2x2, ये इक्वल 26 हो गया। मैक्सिमाइज करना है z इक्वल 2x1 प्लस 4x2 को। चूंकि स्लैक सरप्लस वेरिएबल्स का प्रॉब्लम से कुछ लेना देना नहीं है, तो इनकी कॉस्ट हम 0 यूज करते हैं, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्रॉफिट या लॉस पर फर्क नहीं पड़ता। चलिए, बीच में बात थोड़ी सी आपको और बता दूं, ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है। अगर ये मिनिमाइजेशन की रही होती तो हम एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन लॉन्च करते जेड डैश, जो माइनस जेड के इक्वल होता। अगर मिनिमाइजेशन रही होती तो मिनिमाइज कर रहे होते हम जेड इक्वल 2x1 प्लस 4x2 को। तो इस केस में आप इसे मैक्सिमम में ही कन्वर्ट करते, जेड डैश को माइनस जेड डालकर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं जेड डैश को माइनस जेड डालूंगा तो जब जेड डैश मैक्सिमाइज हो रहा होगा, जेड मिनिमाइज ही हो रहा होगा। तो हम जेड डैश नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन लॉन्च कर लेंगे उस केस में, जो कि माइनस जेड के बराबर होगा, और फिर सेम ऐसे ही ऑपरेट करेंगे। ये किसके लिए है, जब प्रॉब्लम में मिनिमाइजेशन गिवन हो आपको। फिलहाल तो ऐसा नहीं है मेरे पास। चलिए, तो हम यहां तक आ गए। यहां पे x1 x2 s1 s2 पॉजिटिव है। अब बारी आती है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने की। जैसा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, हमें एक इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन चाहिए होता है जिसे हम ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सके। तो यहां पे निकालते हैं, x1 x2 0 पुट करेंगे तो s1 आएगा 18, s2 आएगा -30। बेसिक होगा बट फिजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू निगेटिव आ गई और हमें चाहिए पॉजिटिव। तो यहां पर हमारे पास बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं आ सका, एक तो इससे और एक इससे। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यहां पे हमारे पास इन इक्वेशंस में वो वेरिएबल्स अवेलेबल नहीं है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉलम क्रिएट कर लेते हो।
S1 तो है पहली इक्वेशन में, S1 100 नहीं है। तो इस केस में आप आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज कर लेंगे, XA1 XA2 कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं तो A1 A2 का नाम दूंगा, A1 इसमें ऐड कर लेता हूं, और चूंकि इस इक्वेशन में भी नहीं है 001 बनाने वाला वेरिएबल, तो मैं एक A2 इसमें ऐड कर लेता हूं। ठीक, दोबारा समझिएगा, अगर हम A1 A2 का इस्तेमाल नहीं करते तो हमें सिंप्लेक्स अप्लाई करने के लिए चाहिए क्या होता है, हमें भी वेरिएबल्स चाहिए होते हैं जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉलम क्रिएट कर रहे हो। S1 तो बना रहा है 100, लेकिन S2 010 नहीं बनाता है, -1 है। यहां पे इस इक्वेशन में ऐसा कोई वेरिएबल नहीं था जो 001 बना सके, तो हम यहां पे दो वेरिएबल खुद से ऐड कर लेते हैं, A1 और A2। इन्हें हम यूज करेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल के तौर पे, इन्हें कहेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल। ये सिर्फ क्यों यूज किए गए, ये हमने इसलिए यूज किए क्योंकि हमारे पास इन इक्वेशंस में वो वेरिएबल अब्सेंट थे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉलम क्रिएट कर लेते हो, और इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें वो वेरिएबल चाहिए होते हैं जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार करें। तो अब A1 A2 को लॉन्च करने के बाद, ऐड कर देने के बाद 100 010 001 हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स आ गए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं, पहली इक्वेशन से S1, सेकंड से S2 और थर्ड से सेकंड से A1, थर्ड से A2। अब एक समस्या है, प्रॉब्लम क्या, कि आर्टिफिशियल वेरिएबल का सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहना हमें यह बात शो करता है कि इसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द, एज सून एज पॉसिबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल नॉन बेसिक वेरिएबल बन जाए, या कहें बेसिक वेरिएबल ना रहे, बेसिस छोड़ दें, सॉल्यूशन से निकल जाए एज सून एज पॉसिबल। तो इसके लिए हम दो मेथड यूज करते हैं, बिग एम मेथड और टू फेज मेथड। पहला मेथड है बिग एम मेथड। तो बिग एम मेथड में आप क्या करेंगे, इन आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की कॉस्ट -m असाइन करेंगे। m जहां पे आपके लिए अननोन है, आपको नहीं पता कि क्या है m की वैल्यू, बट बहुत लार्ज अज्यूम की जाती है, लैक्स में क्रोड्स में कुछ भी अज्यूम करने, बहुत लार्ज नंबर रखना है आपको। अब आगे वैसे जैसे आपने सिंप्लेक्स मेथड सीखा हुआ है, तो हम फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल तैयार करते हैं। फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, पहला कॉलम सीबी, अगला कॉलम बेसिक वेरिएबल्स, अगला कॉलम XB, नेक्स्ट कॉलम X1, नेक्स्ट कॉलम X2, नेक्स्ट कॉलम S1, नेक्स्ट कॉलम S2, नेक्स्ट कॉलम A1, नेक्स्ट कॉलम A2। वो मिनिमम रेशियो में फ्री छोड़ दिया हमने। तो इसे फिल कैसे करते हैं टेबल को, पहले हम बेसिक वेरिएबल चेक करेंगे, कौन से वेरिएबल होंगे बेसिक वेरिएबल जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार कर रहे हैं, कौन कौन से तैयार कर रहे हैं, S1 100, A1 010 और A2 001। तो पहली इक्वेशन से S1 रहा, सेकंड से A1 रहा, थर्ड से A2 रहा बेसिक वेरिएबल। इनकी वैल्यू जब मैं X1 X2 और S2 को 0 पुट करूंगा तो S1 18, A1 30, A2 26। X1 के कॉफिशियंट 2 3 1 2 3 1, X2 के कॉफिशियंट 1 2 2 1 2 2, S1 के कॉफिशियंट 1 0 0, S2 के कॉफिशियंट 0 -1 0, A1 के 0 1 0, A2 के 0 0 1। ऊपर CJs, नीचे ZJ-CJs। CB में इनकी कॉस्ट S1 की 0, A1 की -m, A2 की -m। ठीक, अब आगे CJs, X1 की कॉस्ट 2
टू एच टू की फोर, टू फोर इनकी जीरो इसकी जीरो, ए वन की माइनस एम यूज की है हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की, इसे पेनल्टी मेथड भी कहते हैं। एक बार फिर बता दूं आर्टिफिशियल वेरिएबल का सॉल्यूशन में प्रेजेंट होना, तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ना, ए वन ए टू सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो इनका सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहना यह दिखाता है कि हमारे पास इस प्रॉब्लम का बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द रिमूव हो जाए, इसके लिए इन्हें रिमूव करने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं, बिग गैप मेथड और टू फेस मेथड। बिग गैप मेथड में आप सबकी एक्चुअल कॉस्ट यूज करोगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट बहुत लार्ज नेगेटिव नंबर असाइन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है तो इनकी कॉस्ट बहुत लार्ज नेगेटिव नंबर लेने पर हमें लॉस होगा और ये सॉल्यूशन से बाहर हो जाएंगे, और आप इनकी कॉस्ट माइनस में असाइन करते हैं तो इन्हें सॉल्यूशन में यूज करने पर हमें बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, मैक्सिमम जेड आ नहीं पाएगा, तो इसलिए सॉल्यूशन से बाहर हो जाएंगे अपने आप। इसी कारण से हमने इनकी कॉस्ट माइनस एम यूज की है। चलिए अब जेड जे माइनस सीधे निकालते हैं, जैसा आपको सिखाया था, जीरो माइनस थ्री एम माइनस एम माइनस फोर एम माइनस टू, माइनस फोर एम माइनस टू, एक्स टू की जीरो माइनस टू एम माइनस टू एम माइनस फोर एम माइनस फोर, जीरो 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 माइनस जीरो 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 एम जीरो माइनस एम प्लस एम जीरो 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 माइनस एम, इसे घटाएंगे प्लस एम हो जाएगा जीरो। तो देखिए जेडजे माइनस से निगेटिव आ रहे हैं, माइनस फोर एम माइनस टू माइनस फोर एम माइनस फोर, ये ज्यादा छोटा नंबर है। तो अगली आइट्रेशन में एक्स टू बेसिक वेरिएबल बन जाएगा, ये कॉलम बनेगा हमारा की कॉलम या एंट्रिंग वेरिएबल कह लीजिए, इसे आप एंट्रिंग वेक्टर कह लीजिए। एक्स टू बेसिक वेरिएबल बनेगा, इनमें से कौन सा वाला नॉन बेसिक बनेगा, इसके लिए आप मिनिमम रेशो कंप्यूट करेंगे। हम एक्स बी वाले कॉलम को डिवाइड करेंगे एक्स टू कॉलम से, सिर्फ उन्हीं से जो पॉजिटिव है और किसी से नहीं। 18 अपॉन 1 18, 30 अपॉन 2 15, 26 अपॉन 2 13, इनका मिनिमम क्या आया 13, किस रो के लिए है, थर्ड रो, तो थर्ड रो के कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल बेसिस से बाहर जाएगा, यानी कि ए टू बेसिस से बाहर जाएगा। एक बात और है, जब तक आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिस में है तो लिविंग वेक्टर आर्टिफिशियल वेरिएबल ही होना है, आप किसी और वेरिएबल को बाहर नहीं निकाल सकते। अगर ऐसा हो जाए कि ए टू बाहर नहीं जाता तो मैं फिर एंट्रिंग वेरिएबल चेंज करता और नेक्स्ट नॉन नेक्स्ट मोस्ट निगेटिव का एंट्री कराता, दोबारा से मिनिमम रेशो निकालता, लेकिन निकालूंगा मैं आर्टिफिशियल को नहीं। अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिस से बाहर नहीं जा रहा तो इसका मतलब इस प्रॉब्लम का कोई बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, निकालेंगे आप आर्टिफिशियल वेरिएबल को ही। खैर ए टू जा रहा है अभी बाहर, ए टू की जगह आया एक्स टू। एक बात और, जो भी आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिस छोड़ेगा आप अगली टेबल से सब कॉलम ही हटा देंगे, मतलब नेक्स्ट टेबल में ए टू का कॉलम ही नहीं बनाएंगे हम, इसे हम आउट ही कर देंगे। जो भी आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिस छोड़ता जाएगा हम उसका कॉलम ही हटाते जाएंगे। तो अगली टेबल बनाते हैं भाई, चलो सी बी बेसिक वेरिएबल्स एक्स बी एक्स वन एक्स टू एस वन एस टू ए वन ए टू का कॉलम नहीं बनाएंगे क्योंकि वो बेसिस छोड़ चुका है, वो तो गया बाहर। अब आगे की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले बेसिक वेरिएबल फिल करेंगे एस वन ए वन ए टू का, क्योंकि बाहर जा चुका है तो ए टू को रिप्लेस किसने किया एक्स टू से, यहां जाएगा एक्स टू, ठीक है जी। अब एक्स टू है, कॉस्ट एस वन की जीरो, ए वन की माइनस एम है और एक्स टू की फोर है, सबकी एक्चुअल कॉस्ट आर्टिफिशियल की माइनस एम। अब आप कीरो की कॉलम के इंटरसेक्शन की एलिमेंट को वन बनाएंगे और इसकी हेल्प से बाकी एलिमेंट्स को जीरो बनाएंगे, तो इसे वन बनाने के लिए मैं इस रो को टू से डिवाइड कर देता हूं, यहां तक डिवाइड होगा
26 by 2, 13, 1 by 2, 1, 0, 0, 0, बस यहीं तक जाएगा, वो तो मिनिमम रेशो था, और A2 का तो हमने कॉलम ही हटा दिया, है ना, तो यहीं तक डिवाइड होगा बस, अब इसकी हेल्प से इसे 0 बनाना है, तो इस रो में से 0 सब्ट्रैक्ट कर दे, 30 minus 26, 4, 3 minus 1, 2, 2 minus 2, 0, 0 minus 0, 0, माइनस वन माइनस जीरो माइनस वन वन माइनस जीरो वन. अब इसे भी जीरो बनाना है इसकी हेल्प से, तो इसमें से इसका हाफ सब्ट्रैक्ट करते हैं. 18 माइनस 13, इसका हाफ 13 पड़ेगा ना, 18 माइनस 13 फाइव, 2 माइनस इसका हाफ 2 माइनस वन बाई टू 3 बाई टू, 1 माइनस वन जीरो, 1 माइनस जीरो वन, 0 माइनस जीरो जीरो, 0 माइनस 0, 0. देखिए ये टेबल आ गई. ऊपर फिर से CJ's. X1 की कॉस्ट 2, X2 की 4, इनकी 0, इसकी 0, इसकी माइनस M. नीचे ZJ माइनस CJ. कैसे निकालते हैं? इसकी मल्टीप्लाई इसमें, प्लस इसकी इसमें, प्लस इसकी इसमें. तो 3 बाई 2 इंटू 0, 0. माइनस 2M, प्लस 2. माइनस 2, माइनस 2M. 0, 0, 4, minus 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, plus m, 0, m minus 0, m, 0, minus m, इसे subtract करेंगे, plus m होगा, minus m, plus m, 0. वैसे भी जो variable basic में है, basis में है, उनकी ZJ minus CJ 0 ही आनी है. यहां तक आ गए, अभी ZJ minus CJ positive नहीं बने, negative है. हम तब तक आइट्रेट करेंगे जब तक ये सारे पॉजिटिव ना हो जाए. तो चलिए आगे बढ़ने के लिए फिर से किसी एक नॉन बेसिक वेरिएबल को बेसिक वेरिएबल बनाना पड़ेगा और बेसिक को नॉन बेसिक, यानी इनमें से एक वेरिएबल बेसिस छोड़ेगा और इनमें से कोई वेरिएबल बेसिस में एंट्री कर जाएगा. इसके लिए हम निकालेंगे मिनिमम रेशो. एक्स भी कॉलम को डिवाइड करेंगे की कॉलम के एलिमेंट से. की कॉलम कौन सा बना? जिसका ZJ माइनस CJ मोस्ट नेगेटिव आया, किसका आया? X1 का. तो अब अगली आइटरेशन में X1 बेसिक वेरिएबल बनेगा. नॉन बेसिक कौन सा बनेगा? उसके लिए मिनिमम रेशियो निकालते हैं. XB के कॉलम के एलिमेंट को डिवाइड करते हैं की कॉलम के एलिमेंट से सिर्फ उनसे जो पॉजिटिव है. XG1 इज पॉजिटिव. ठीक है जी. तो 5 अपॉन 3 बाई 2 10 बाई 3, 4 upon 2, 2, 13 upon 1 by 2, 26. मिनिमम क्या आया? 2. किस रो के लिए है? सेकंड रो के लिए. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ए वन वेरिएबल बेसिस छोड़ देगा, एक्स वन बेसिस में आ जाएगा. और की रो की कॉलम के इंटरसेक्शन की एलिमेंट, इसे हम 1 बनाएंगे, इसकी हेल्प से बाकियों को 0 बनाएंगे. मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को पॉज करते हुए इसे नोट कर लिया होगा. मैं इसे साफ कर लेता हूं ताकि आपसे देख सके आगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. सीबी बेसिक वेरिएबल्स एक्स वन एक्स टू एस वन एस टू. A2 का तो कॉलम ही हटा देंगे भाई, A1 का, क्योंकि वो आर्टिफिशियल वेरिएबल है. जो भी आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिस छोड़ेगा उसका कॉलम ही डिलीट मार देंगे आप जी. CB सॉरी बेसिक वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे. S1 तो बेसिस में है, A1 बेसिस से गया, इसकी जगह क्या आया? X1. X2 बेसिस में है जी. अब हम इनकी कॉस्ट लिखेंगे. S1 की कॉस्ट 0 ही है, X1 की कॉस्ट 2 है और X2 की 4 है. X1 की कॉस्ट 2, X2 की कॉस्ट 4. अब आगे की एंट्री डालने के लिए आप की एलिमेंट को 1 बनाएंगे, तो इस रो को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. 2 से डिवाइड कर दिया, X3 में क्या आ जाएगा? 2, X1 में 1, और XB का कॉलम भूल गया था, सॉरी, X1, इट्स X2, इट्स S1, इट्स S2. वो XB कॉलम रह गया था भाई मेरे से,
जी, तो इस एलिमेंट को हम वन बनाएंगे, तो इसलिए हम इस रो को टू से डिवाइड कर देते हैं, फोर बाई टू टू, टू बाई टू वन, जीरो एस वन में, जीरो एस टू में, माइनस वन बाई टू, इस रो को टू से डिवाइड किया। ए वन का तो कॉलम ही हट गया, अब इसकी हेल्प से हम इसे जीरो बनाएंगे। कैसे बनाएं? इस रो का थ्री बोर थ्री बाई फोर टाइम इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, इसका थ्री बाई फोर क्या पड़ेगा, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू जीरो हो जाएगा। तो मैं इस रो में से इस रो का थ्री बाई फोर टाइम सब्ट्रैक्ट करता हूं, फाइव माइनस थ्री बाई फोर इंटू फोर, फाइव माइनस थ्री टू, थ्री बाई टू माइनस इसका थ्री बाई फोर टाइम, थ्री बाई टू पड़ेगा जीरो, जीरो माइनस जीरो, जीरो एस वन में, वन माइनस इसका थ्री बाई फोर वन ही आएगा, एस टू इससे इसका थ्री बाई फोर टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस का हो जाएगा थ्री बाई फोर। चलिए इसकी हेल्प से इसे भी जीरो बनाना है, तो हम इसमें से इस रो का वन बाई फोर टाइम सब्ट्रैक्ट करते हैं, थर्टीन माइनस इसका वन बाई फोर वन, थर्टीन माइनस वन ट्वेल्व, वन बाई टू माइनस वन बाई टू हो जाएगा जीरो, ये एक्स वन है भाई, वन माइनस जीरो वन, जीरो माइनस जीरो जीरो, इस रो में से इसका वन बाई फोर टाइम सब्ट्रैक्ट किया है जीरो, प्लस हो जाएगा वन बाई फोर, वन बाई फोर ऊपर सीजे इसकी कॉस्ट टू, इसकी फोर, इसकी जीरो, इसकी जीरो, नीचे जेड जे माइनस सी जे, जीरो टू प्लस जीरो, टू माइनस टू जीरो, जीरो प्लस जीरो फोर, माइनस फोर जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो माइनस वन प्लस वन जीरो, सारे जेड जे माइनस सी जे नॉन नेगेटिव हो चुके हैं। ऐसा है तो ये सॉल्यूशन है, ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, क्या एक्स वन टू और एक्स टू ट्वेल्व, x1 2 x2 12, x1 को 2 x2 को 12 यहां पुट करो, x2 12 पुट किया, 12 into 4 48 in plus 4 48 plus 4 52 z equal 52 is optimum basic feasible solution, that's it। तो आप इसके ऊपर एग्जांपल क्वेश्चंस ट्राई करें, अगले लेक्चर में हम आपको देंगे टू फेज मेथड आर्टिफिशियल वैल्यू रिमूव करने का। टिल देन गुड बाय।